तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के मुख्यतः दो तत्व होते हैं, विशेष्य और विशेषण। विशेष्य जिस प्राणी वस्तु स्थान की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जो शब्द किसी प्राणी वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय हरी घास चर रही है, इस वाक्य में विशेषण शब्द है हरी और विशेष शब्द है घास। विशेषण के चार भेद बने हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष अवस्था स्थिति आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए काला, गोरा, सुस्त इत्यादि। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के संबंध में बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दो उपभेद आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं, जैसे चार मीटर। अनिश्चित परिमाणवाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ मीटर। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भी दो उपभेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे दो, चार इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं, जैसे कुछ बच्चे आदि। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे इत्यादि। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की मुख्यतः तुलना के आधार पर तीन अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सबसे पहले मूलावस्था, जब मूलावस्था में जब विशेषण में किसी की भी तुलना किसी के साथ नहीं की जाती तो वह विशेषण की मूलावस्था होती है। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों वस्तुओं या स्थान की आपस में तुलना की जाती है, यह विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। उत्तमावस्था एक या एक से अनेक व्यक्तियों वस्तुओं स्थान आदि के बीच में जब उनके गुण दोषों की तुलना की जाती है तब वह विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। अब हम प्रविशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को